यदि उनके मंत्री उदयन गुहा ये बोलते हैं कि ममता जी की तरफ जो उंगली उठेगी तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी, तो कोई ऐसा बयान देता है कि जो पीड़ित और आहत डॉक्टर हैं वो अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए वहां बैठे हैं, तो उनके एक सांसद अरूप चक्रवर्ती इस ढंग का बयान देते हैं कि परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं देश के लोगों से पीड़ा और गंभीरता के साथ अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है उदयन गुहा ने, जो संदीप चक्रवर्ती ने अरूप चक्रवर्ती ने कहा है, तो परिणाम भुगता दिया होता। आज सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति है, तो मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो दुर्भिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों का समर्थन करने की है। अर्थात अब बहुत साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है।